आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें आप एकमात्र अध्यापक हैं, हाँ जी तो एकमात्र अध्यापक होने के नाते या एकल शिक्षक होने के नाते किस तरह की समस्याएं आपको आती हैं? सब समस्या तो वैसे ही कोई नहीं है, मतलब टॉपरों की संख्या वैसे ही इतनी सी हमारे महाविद्यालय में, ज़्यादा संख्या नहीं है सर। तो संख्या सब 17-18 बच्चे ही हमारे वहाँ आते हैं। तो सब मैंने BOP से तो भी कक्षा 5 से, तो मतलब बच्चों के लिए वो कोर्स तो वित्त की वजह से मैं होता है। तो BO से तो मैंने लेटर भी लिखा था साहब कि भाई हमारे एक और अध्यापक लगाया जाए, लेकिन स्टाफ की कमी होने से वहाँ एक भी आदमी भेजा नहीं। तो मैंने सोचा कि स्टाफ तो अब मारने वाला है नहीं, तो मैं बच्चों को समय पर, मतलब बच्चों को मैंने विद्यालय में बुलाया और मैंने जो कोर्स बच्चों का पूर्ण करवाया और कोई समस्या जैसी बात नहीं रही। और प्रार्थना कार्यक्रम में जो बच्चों को जो समय पर आने के लिए हम मदद करते हैं और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रहता है और सामान्य ज्ञान का भी इसमें जो उसके बारे में भी बता दें। जानकारी देते हैं उनको। कक्षा 8 में से हम पढ़ते थे सब साहब, उस समय मतलब हमारे एक खिरू जाते थे ये का बेड़ा से, मतलब तो वो हमारे को मतलब बार बार कह रहे थे कि आप मतलब अच्छे पढ़ाई करो, समय की कीमत करो, समय की कीमत करने बाद में आपकी भी कीमत होगी। तो भी हमारे को बार बार ये जो कहते थे और हमने उनकी बात को मान ली और हमने इन 14 सालों में कोई ऐसा विद्यार्थी, छात्र या छात्रा जो आपको किसी वजह से बार बार याद आता हो, किसी को याद कर पाते हैं आप? हाँ साहब, हमारे एक जो कक्षा 2 का एक बालक था हमारे स्कूल में, स्कूल आता था और वो बच्चा स्कूल में आता था लेकिन सकमा देकर वो भाग जाता था। अच्छा और मैं जाकर देखता था वो बालक नहीं था। तो ये समस्या हमारे सामने आई तो उनके घर पे जाकर मैंने उनके माता पिता को कहा कि ये बालक मतलब स्कूल से छुड़ाता है ये। तो उनके माता पिता को मैंने समझाइश की कि ये बच्चा थोड़ा आप भी ध्यान रखो और हम भी ध्यान रखें। और मैंने बच्चों को भी समझाया तो ये बालक समझ गया और फिर जैसे कि बात नहीं रही। और तो ये बालक आज कक्षा 8 में जो पढ़ता है और खूब होशियार भी है और समय पर स्कूल आता है।